जहां सूरज की किरणें हो, जहां सूरज की किरणें हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम हो वही परिवार होता है, वही परिवार होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव, और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हां, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है परिवार। एक बार की बात है, एक बार दो भाई थे और दोनों भाई साथ में रहते थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहते थे और उन दोनों के ही माता पिता गुजर चुके थे, लेकिन माता पिता गुजर जाने से पहले ही ज़मीन और जायदाद का बंटवारा करके जा चुके थे। लेकिन अब भी दोनों भाई मिलकर खेती का काम किया करते थे और अंत में अपने हिस्से को दो भागों में बांट लिया करते थे। इस तरह से उन दोनों का जीवन बड़े ही आराम से चल रहा था। दोनों भाई खेत में काम करते थे, बड़े को खेती की कोई बात समझ नहीं आती थी तो वो छोटे से पूछ लेता था, छोटे को कोई बात समझ में नहीं आती थी तो वो बड़े से पूछ लेता था। ठीक इसी तरह से ही जब बीच में दोपहर में खाना खाने का समय होता था तो पहले बड़ा भाई खाना खाने आता था घर पर, तो छोटा खेत की रखवाली किया करता था। उसके बाद छोटा खाना खाने आता था तो बड़ा भाई खेत की रखवाली किया करता था। इस तरह से तीनों का, यानी कि बड़े भाई, छोटे भाई और बड़े भाई की पत्नी का बहुत ही अच्छे से जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे फसल भी पकने का समय हुआ, ईश्वर की कृपा हुई, बारिश भी अच्छी हुई, फसल भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। इस तरह से दोनों भाइयों ने फसल को काट लिया और उसका बंटवारा कर लिया। इसके बाद बड़ा भाई घर के लिए गया, भोजन करने के लिए गया, तो छोटे भाई के दिमाग में एक बात आई कि बड़े भाई की तो गृहस्थी है, मैं इतना ज़्यादा अनाज लेकर क्या करूँगा। तो छोटे भाई ने क्या किया, अपने हिस्से से 10 बोरे गेहूँ के उठाए और बड़े भाई के हिस्से में डाल दिए। इसके बाद बड़ा भाई आया और उसने छोटे भाई को घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। जैसे ही छोटा भाई घर गया भोजन करने के लिए, बड़े भाई के दिमाग में भी यही बात आई कि मैं तो इतने अनाज का क्या करूँगा, छोटे भाई की तो अभी पढ़ाई भी बची हुई है, इसकी शादी भी करनी है, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा अनाज दे देता हूँ। बड़े भाई ने भी क्या किया, अपने हिस्से से 10 बोरे अनाज के निकाले और छोटे भाई के हिस्से में डाल दिए। तो इस तरह से अनाज दोनों का उतना ही रहा, लेकिन दोनों के मन में प्यार एक दूसरे के लिए और ज़्यादा बढ़ गया। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि केवल और केवल प्यार, प्रेम का ही महत्व है, उसी से ही परिवार अच्छे से चलता है। याद रखिए, हमारे परिवार में जो प्रेम होता है वो अंधा होता है। अब अंधा किस तरह से होता है, जिस प्रकार से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी माँ की हम कोख में होते हैं, माँ हमारी देख भी नहीं पाती है, लेकिन उसी समय से वो हमें प्यार करने लगती है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बहुत ही प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार से ही सब कुछ है, प्यार के बिना कुछ नहीं है। तो आज रंगों का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, आप सब लोग अपने परिवार में प्यार फैलाइए, खुश रहिए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। अंत में केवल दो ही लाइनों के साथ अपनी कहानी को समाप्त करना चाहूँगी। रंगों का त्यौहार है होली, खुशी खुशी मना लेना, हम ज़रा दूर हैं आपसे, हम ज़रा दूर हैं आपसे, लेकिन थोड़ा सा गुलाल हमारी तरफ से भी लगा लेना, हमारी तरफ से भी लगा लेना। आप सब लोग अपने परिवार के साथ खुश रहें, सुरक्षित रहें, प्यार के साथ रहें और मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।